आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट इंटरव्यू सो क्लाइंट इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो जब हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अगर प्रोजेक्ट में किसी में मैप होना है तो अगर हमें आ, सुनने को मिलता है कि हमारा क्लाइंट इंटरव्यू होगा तो हम बहुत ही ज़्यादा इनिशियली डर जाते हैं तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्लाइंट इंटरव्यू होता क्या है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि होता क्या है क्लाइंट और क्लाइंट है और क्लाइंट का इंटरव्यू भी है तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और अगर आपका कोई भी क्लाइंट इंटरव्यू है तो आप उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हो कि आप उसे इजीली क्लियर कर सको तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में तो लेट्स स्टार्ट तो क्लाइंट इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है जैसे कि हम जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं लेट्स टी सी एस विप्रो एसेंचो कैबजामिनी तो ये कंपनीज क्या होती हैं इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते तो इसी वजह से हम इनको सर्विस बेस्ड कंपनीज बोलते हैं सर्विस बेस्ड मतलब कि इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है ये खुद से इन्होंने कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया है ये किसी और कंपनी से प्रोजेक्ट इनको मिलते हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम करके इन कंपनीज को डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट लेट्स हो हो सकता है कोई रेलवे का प्रोजेक्ट हो वो किसी कंपनी ने इंफोसिस को असाइन किया है उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है उसे कंप्लीट करके उस कंपनी को प्रोवाइड करना है तो ये काम इन्फोसिस का होगा तो यहाँ पे इन्फोसिस स्टार्टिंग से स्क्रैच से कोई भी प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहा होगा हमें जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप करना है जो हमें कंपनी में बोला जाएगा अदर कंपनी से जिसे हमें प्रोजेक्ट मिला है वो कंपनी जो भी बोलेगी वो प्रोजेक्ट हम उन्हें डिलीवर करके देंगे तो दैट इज़ द सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि हम कोई प्रोडक्ट है जो हमने कंपनी ने स्क्रैच से बनाया जो कि यूज़ हो रहा है लाइक like अगर हम कह सकते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप अमेजोन की साइट यूज़ करते ही हैं और फ्लिपकार्ट की भी आपसे साइट यूज़ की होगी आजकल कपड़े सब भी लेते हैं सबको पता होगा इन सब साइट का तो ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं दैट मीन्स इनके खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ले लो पावर पॉइंट ले लो जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के बनाए हुए हैं तो यही इसी पे ही जो है कंपनीज के जितने भी डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं और उसी में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे होते हैं बट वेन इट कम्स टू सर्विस बेस्ड कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज टोटली डिपेंडेंट होती है अदर कंपनीज़ पे जब उन्हें अदर कंपनी से प्रोजेक्ट मिलेगा तभी वो कंपनीज जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही होंगी और उन्हें डिलीवर करती हैं प्रोजेक्ट को दूसरे क्लाइंट को तो क्लाइंट इज़ अदर कंपनी जिसके प्रोजेक्ट जो है वो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के पास हैं और जिस सर्विस बेस्ड कंपनीज जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होंगी और जिनकी कंपनीज़ के लिए काम कर रही होंगी वो उनके क्लाइंट्स होंगे अब बात उठती है कि अगर ये जो क्लाइंट इंटरव्यूज़ है क्या वो हर एक फ्रेशो को फेस करना पड़ता है एब्सोल्यूटली नॉट ऐसा नहीं है कि हर एक फ्रेशर जो भी कंपनी में जाता है उसे सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है किसी ना किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे हो सकता है वो जावा हो डॉट नेट हो कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है बिग डेटा सो so, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद फिर होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन का टाइम तो प्रोजेक्ट एलोकेशन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो हर बार आपको क्लाइंट इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा कुछ केसेस में होता है कि आपको डायरेक्टली ही मेल आ जाती है आपके जो भी स्किल सेट आपका जो रिज्यूमे है उसके बेस पे आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में मैप कर देते हैं एंड कुछ सिनारियों में ऐसा होता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने वाले विद इन द कंपनी ही जो डेवलपर्स हैं जो टीम लीड हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होता है बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट साइड जो है वो इंटरव्यू फेस करना होता है तो जो क्लाइंट कंपनीज़ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जितने भी डेवलपर्स हायर होंगे वो अच्छे से देखना चाहते हैं वो इतने हाईली स्किल्ड हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करके उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे वो डिलीवर कर पाए जो प्रोजेक्ट है या नहीं इसके लिए वो जो कंपनीज़ हैं वो कंडक्ट कराती हैं ऐसे इंटरव्यूज़ तो आप डरने की बात नहीं है आप ये मत सोचना कि क्लाइंट आएगा कोई जो जो कंपनी को फंड कर रहा है वही पर्सन आया है कोर्ट डाल के और आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देगा इट्स नॉट लाइक दैट ऐसा होता है उसी कंपनी के जिसका प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिला हुआ है उसी कंपनी के अंदर डेवलपर्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वही लोग आपका इंटरव्यू लेंगे बस ये है कि वो इंटरव्यू थोड़ा सा ट्रिकी होता है ट्रिकी इसलिए क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उसमें जो जो स्किल सेट यूज़ हो रहे होते हैं जो प्रोजेक्ट में बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं बट लेट्स से अब आपके पास क्लाइंट इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप कभी भी क्लाइंट इंटरव्यू डायरेक्टली नहीं फेस करते हो आप जिस भी प्रोजेक्ट में जा रहे होगे उस प्रोजेक्ट में आने से पहले कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जो आपको कॉल करेगा आपसे आपका रिज्यूमें आपकी स्किल सेट सब पूछेगा लेट्स से आपको कॉल आती है कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है हम आपका जो है वो इंटरव्यू अलाइन कर रहे हैं सो दे बी आस्किंग अबाउट योर टेक्नोलॉजी लेट्स से अगर वो आपको पहले ही बता देंगे अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपसे बोल देंगे कि आपको स्प्रिंग बूट आता है उसकी टेक्नोलॉजीज वगैरह जो भी हैं माइक्रो सर्विसेज अगर उनको बैकएंड के लिए चाहिए तो वो वहीं क्लियरली मेंशन कर दें कि आपको ये ये टेक्नोलॉजी आती हैं तो जब वो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब टेक्नोलॉजी पूछता है तो आपको उसी में आइडिया लग जाता है कि वो अगर स्प्रिंग बूट मैंशन कर रहा है तो दैट मीन्स वो स्प्रिंग बूट से क्वेश्चन पूछेगा और अगर वो माइक्रो सर्विसेज मैंशन कर रहा है तो दैट मीन्स ही कैन आस्ट द क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो सर्विसेज तो उस टाइम आपको अवेयर हो जाना चाहिए जो स्किल सेट आपसे पूछे जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि आपको आते हैं या नहीं दैट मीन्स वो आपसे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि मुझसे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कोई ना कोई आपको हो सकता है कि कॉल करे मैनेजर हो सकता है वो टीम लीड हो सकता है आपको कॉल करे आपसे स्किल सेट के बारे में डिस्कशन हो और आप अपने स्किल सेट को उस टाइम पे क्लियरली मेंशन कर सकते हो अगर आपकी स्किल सेट उस पर्टिकुलर चीज़ से आ, मैच होते होंगे जिसका वो प्रोजेक्ट है वो तभी आपके नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे तो अब मैं बताऊंगी कि आप क्लाइंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो क्लाइंट इंटरव्यू होने से पहले जो है वो आपके विद इन द कंपनीज भी जो डेवलपर्स हैं वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं हो सकता है वो डेवलपर हो वो टीम लीड हो जो आपका इंटरव्यूज़ लें तो जो विद इन द कंपनी इंटरव्यू होते हैं वो इजी रहते हैं लेट्स से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जो जो उस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्प्रिंग बूट यूज़ हो रहा है तो स्प्रिंग बूट के जो आप नेट से भी इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वो आपसे बेसिक्स बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे कि आपको उस टेक्नोलॉजी की है या नहीं तो वो थोड़ा जो विद इन द

क्योंकि प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम क्लाइंट इंटरव्यू फेस करते हैं तो वो हर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो आपको तब तक नहीं पता होंगे जब तक आपने एटलीस्ट एक डमी प्रोजेक्ट साइड बाय साइड बनाया नहीं हुआ तो एटलीस्ट उस कि हैंड ऑन के प्रैक्टिस जरूर करके जाएं क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़े डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ लें ज़्यादा डेप्थ में नहीं बट अगर आपने एक भी डमी प्रोजेक्ट साइड बाय साइड बनाया होगा तो आप आराम से उसे फेस कर सकते हैं सो आई विल सजेस्ट कि कोई भी डमी प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर आप ज़रूर बना लें जिसमें डेटा का कॉल हो रहा अगर आपने एज ए बैक एंड डेवलपर काम करना है तो तो जिसमें आपको एम आर्किटेक्चर आइडिया हो तो एटलीस्ट आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन आप उनको कर पाएं और अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या आंसर करना है ऐसा भी नहीं वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेल करेंगे वो आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे या नहीं सो so, इस टाइप से आप प्रिपरेशन कर सकते हो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर रहे हो तो उसके इंटरव्यू क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएं और एक प्रोजेक्ट तो आपको मेजर क्लाइंट इंटरव्यू के टाइम पे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उनकी जो मेजर ग्रिलिंग है वो प्रोजेक्ट के लिए ही होती है एटलीस्ट आपको प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है आप कोई भी साइड से डमी प्रोजेक्ट बना सकते हैं आजकल तो बहुत टाइम नहीं लगता मेरे को अगर स्प्रिंग बूट के लिए भी प्रोजेक्ट देखना था तो मैंने दुर्गेश ट्यूटोरियल से एक प्रोजेक्ट जो है वो डमी प्रोजेक्ट बना लिया था एंड ऐसा ही मेरा क्लाइंट इंटरव्यू गया था कि उन्होंने ए कॉल करके जो है वो प्रोजेक्ट का मे सारा सिनेरियो पूछा था तो ऐसा ही इंटरव्यू रहता है सो so, टेंशन लेने की बात नहीं है बट येस yes, अगर आप चाहते हो कि आप क्लियर करो सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू एड ऑन इज कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि होते बैक एंड डवेल्प है बट जो इंटरव्यू है वो फ्रंट एंड का हो जाता है तो अगर ऐसा केस है अगर आपका जो इंटरव्यू है वो फ्रंट एंड का हो गया है और बाद में प्रोजेक्ट में अलोकेशन से पहले आपको मैनेजर की कॉल आती है दैट यू आर सिलेक्टेड आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अगर आपको लगता है कि ये फ्रंट एंड का था आप फुल स्टैक थे आपने फ्रंट एंड भी अच्छे से इंटरव्यू में दे दिया बट आप वर्क जो है वो बैक एंड साइड करना चाहते हो तो आप अपनी एस्पिरेशन मैनेजर को ओपनली बता दो कि अभी मैं करंटली जो है बैक एंड साइड ही वर्क करना चाहता हूँ सो दैट अदरवाइज़ क्या करेंगे जो मैनेजर है वो डायरेक्टली आपको अलोकेट कर देंगे एंड देन यू विल रिग्रेट कि मैं तो यार फ्रंट uh, एंड में नहीं जाना चाहता था बैक एंड साइड वर्क करना चाहता था सो इट विल बी बेटर कि अगर आपको जो भी एस्पिरेशन है आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो और अगर आपको मैनेजर की कॉल आती है तो आप उन्हें जरूर एक्सप्लेन करो दिस इज़ ऑल अबाउट इट और अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं सो फ्री फील जो आज सो थैंक यू सो मच